वही राजनांदगांव पुलिस ने शहर के सभी गुंडों बदमाशों को थाने में हाजिर किया गया, जहां उन्हें होली के साथ ही लोकसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। पुलिस का कहना है कि गुंडों बदमाशों की हर हरकतों पर पुलिस की नजर रहेगी, अगर कोई भी परेशानी खड़ा करता है तो उसे जेल जाना ही पड़ेगा। राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। अभी वर्तमान में होली का त्यौहार निकट है, इसके अलावा चुनाव है एवं अन्य त्यौहार भी है, जिसको देखते हुए पूरे जिले में सभी थानों में गुंडा बदमाश निगरानी की चेकिंग की जा रही है। उनको बुला के समझाइश दी जा रही है कि होली में किसी प्रकार का हुड़दंग न करें, वो पुलिस की नज़र में है, न तो उनको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कितने लोगों को अभी तक? अभी सभी थाना क्षेत्र में अलग अलग बुलाया गया, जैसे यहाँ अभी 25 लोग खड़े हैं, किसी थाने में कुछ संख्या है, डोंगरगढ़ में अलग है, डोंगरगांव में अलग है। इस प्रकार से सभी थानों में जिले भर में इनको बुला के समझाइश दी जा रही है। किन किन उसमें निगरानी सुधार है लोग? जैसे कोई 307 का आरोपी है, कोई 302 का आरोपी है, कोई 2527 आम सेक्ट का आरोपी है, इसके अलावा भी कुछ संदिग्ध हैं, इस टाइप के लोगों को इनको बुला के यहाँ पे समझाया जा रहा है।